आपने वो ब्लॉग देखा होगा। पूछोगे नहीं कहाँ से लेकर आए? पुराने स्टडी टेबल को नया बनाया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे और समायरा है स्कूल में, तो हमने सोचा कि क्यों ना समायरा के लिए एक सरप्राइज प्लान करें। जब वो स्कूल से आए तो उसको बहुत अच्छा लगे। जैसे न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, घर पे आके बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई अच्छी करने के लिए कम्फर्टेबल बैठने की जगह भी होनी चाहिए, जैसे कि स्टडी टेबल। तो हमने समायरा के लिए सब कुछ बाय किया था न्यू सेशन के लिए, बैग, वाटर बोतल, लंच बॉक्स। आपने वो व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देखिए। लेकिन स्टडी टेबल हमने बाय नहीं किया, क्योंकि जब भी हम मार्केट में गए तो हमें सेम ही पैटर्न मिल रहे थे जो स्टडी टेबल समायरा के पास ऑलरेडी है। तो हमने सोचा कि वैसा ही पैटर्न लेने का कोई फायदा नहीं है, और अब हमने सोचा कि क्यों ना पुराने स्टडी टेबल को नया बनाया जाए घर पे। और वो कैसे बनाएंगे आपको व्लॉग के थ्रू सब दिखाएंगे, तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। सबसे पहले हम दिखाते हैं समायरा के पुराने स्टडी टेबल की हालत। ये है चेयर एंग्री बर्ड वाली, और इसका पेंट जो है वो सारा जा चुका है, और यहाँ से भी वुड दिख रही है। वॉलपेपर पूरा खराब हो चुका है, इसकी हालत देख सकते हैं आप क्या हो गई है। और यहाँ पे भी पेंट जो है पूरा निकल गया है, इधर से भी पूरा डिज़ाइन चला गया है। और टेबल भी आपको दिखाते हैं, ये है टेबल, लेकिन टेबल का जो प्रिंट है वो पूरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा डर्टी है, डस्ट है इसके ऊपर। पेंट जो है इसका इस तरफ से ठीक है, इस तरफ से निकल चुका है, फ्रंट से भी इसका पेंट जा चुका है, ये लेग्स का फिर भी ठीक है। चेयर ज्यादा खराब हो चुकी है। स्टडी टेबल मेकओवर स्टार्ट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए स्टडी टेबल को सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 रोल ऑफ शीट्स, ये फोम शीट्स है। यहाँ पे है फेविकॉल, फेविक्विक, सीजर, सेलो टेप, डबल साइडेड टेप, और ये पेंटिंग कलर्स। और पेंटिंग हम करेंगे टेबल और चेयर की लेग्स पे, जो कलर पहले किया हुआ है वो है ऑरेंज और ब्राउन मिक्स सा, तो हमें ना तो प्रॉपर ब्राउन कलर मिला ना ही उसके जैसा कोई ऑरेंज शेड मिला, तो हमने ये 2 कलर्स ले लिए हैं। इनको मिक्स करके हम सेम कलर बनाएंगे जो लेग्स पे किया हुआ है, और पेंटिंग करेंगे, उसके बाद ये शीट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं लेग्स को पेंट, उसके बाद शीट्स का काम करेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि हमारा स्टडी टेबल कैसा लग रहा है, मतलब समायरा का स्टडी टेबल। तो आप लोग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टेबल पेंट हो चुका है, देखिए कितना सुंदर कलर बन गया है, जो पहले किया हुआ था सेम कलर वो आ गया था मिक्स करके। और यहाँ पे हमने शाइनिंग टेप भी लगा दी है, थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, उधर भी टेप लगाई है हमने, और यहाँ पे भी, और इधर भी। चेयर पे मैं बैठी हूँ, चेयर की लेग्स भी दिखाते हैं आपको। ये चेयर की लेग्स पेंटिंग करने के बाद ऐसी लग रही हैं, और यहाँ से इसकी जो पट्टी है वो उतर गई है, तो इसको हम फिक्स करेंगे फेविक्विक की हेल्प से। वहाँ टेबल की भी उतरी हुई है, तो फेविक्विक का यूज़ यहाँ पे होगा। लेकिन सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे शीट्स। शीट को चिपकाने के लिए हमारे पास है सेलो टेप और डबल साइडेड टेप, लेकिन हमें नहीं पता है कि इस शीट पे कौन सी टेप बेटर रहेगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये शीट यूज करने वाले हैं। तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं फाइनली कि कौन सी वर्क करी है इस पे अच्छे से। यहाँ पे हमने शीट लगा दी है और अभी फिनिशिंग देना बाकी है। तो आप बताइए कि ये कलरफुल शीट कैसी लग रही है स्टडी टेबल के ऊपर, उसके बाद हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कमेंट्स में पहले लिख दीजिए जो समायरा को स्टडी टेबल पे जरूरत होती है, वो सब चीजें हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, ताकि समायरा को लगे कि ये समायरा का न्यू स्टडी टेबल है। टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है और अच्छा लग रहा है जब हम आपको दिखाएंगे, तो होप आपको भी अच्छा लगे। और दोपहर के बज चुके हैं 2:30 बजे, हमें जाना है समायरा को पिक करने स्कूल से, उससे पहले पहले चेयर कंप्लीट करनी है। टाइम हो गया है 2:45, तो हमारे पास 15 मिनट बच गए हैं घर से निकलने के लिए।
3 o'clock हमें जाना है समायरा के स्कूल में और हमारा स्टडी टेबल एकदम रेडी हो चुका है। हम आपको और समायरा को एक साथ दिखाएंगे क्योंकि हम आप दोनों के रिएक्शंस एक साथ देखना चाहते हैं। आपके रिएक्शंस हम कैसे देखेंगे कमेंट्स में, तो आप स्टडी टेबल को जब देखोगे तो आप क्या रिएक्ट करते हो, आपके रिएक्शंस कैसे होते हैं आप हमें कमेंट्स में बताना। तो जल्दी से हम रेडी हो लेते हैं और चलते हैं समायरा के स्कूल में। फ्रेंड्स, हमने समायरा को स्कूल से पिक कर लिया है और अभी घर नहीं पहुंचे हैं। देखो रास्ते में पार्टी हो रही है। ऐसे बस दिल कर रहा था कि आज मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, तो मैंने और पापा ने व्लॉग शुरू कर दिया था घर पे। क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो हमने सोचा कि समायरा कितना रिलैक्स फील करती है कि कल वीकेंड है, इसीलिए देखो पार्टी हो रही है, रोड पे आइसक्रीम खाई जा रही है। इसको गर्मी लग रही थी आइसक्रीम, इनको ठंड लग रही थी चाय। मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे कोल्ड फील हो रहा था, तो मुझे लगा कि चाय इज द बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस। चलो जल्दी से अपनी पार्टी खत्म करो, फिर घर जाकर एक और पार्टी करते हैं। पार्टी YouTube फैमिली को मालूम है, आपको भी पता चल जाएगा। घर तो पहुंचो, पहले जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करो अपनी। मम्मा मुझे अंदर तो जाने दो, फ्रेश हो लेने दो, फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, आज आप बाद में फ्रेश होना, बाद में हैंड वॉश करना, पहले हम अंदर जाकर आपको कुछ दिखाने वाले हैं। क्या क्या? चले अंदर और दिखाएं आपको। चलो मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। देखो इसको पता भी नहीं है कि क्या सरप्राइज है, फिर भी इतनी खुशी, तो सोचो जब ये सरप्राइज देखेगी तो इसको कितनी खुशी होगी। तो रेडी हो ना आप समायरा के रिएक्शंस देखने के लिए? मैं तो रेडी हूँ। तू रेडी है? Yes. हम समायरा को कैसे अंदर लेकर आ रहे हैं हाथ पकड़ के। बस बस यहीं रुक जाओ, अब आईज ओपन करो और देखो आपको क्या दिखता है सामने। नया स्टडी टेबल। यस, हम आपके लिए लेकर आए हैं। वाओ, अच्छा लगा आपको? यस। समायरा तो एकदम खुश हो गई। वाओ, पूछोगे नहीं कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आए? मार्केट से। कहाँ से मिलता है ये? मार्केट से मिलता है। हाँ, तो बस हम गए थे आज और आपके लिए ले आए। आप बोलते थे ना मेरा पुराना स्टडी टेबल है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, मुझे नया चाहिए, मुझसे यहाँ बैठा नहीं जाता, चेयर खराब हो गई है। इसीलिए मैं और पापा आज मार्केट गए और आपके लिए नया ले आए। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। क्यूट है ना? ये पहले वाला अच्छा था या ये वाला? ये वाला अच्छा है ना? इस पर बहुत कम डिजाइन था। हाँ, ये अच्छा नया डिजाइन मार्केट में आया था। अब YouTube फैमिली को दिखाते हैं। ये है समायरा का न्यू स्टडी टेबल, देखिए कैसा लग रहा है। इसका जो डिजाइन है वो क्या है? किचन के रिलेटेड। ये देखो किचन के इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि समायरा को किचन सेट, कुकिंग सेट बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए हमने वैसे प्रिंट का बाय किया था आपके लिए। वाओ, ये देखो मिक्सर ग्राइंडर, ये बॉयलर, ये टर्नर, लैडल, सब कुछ है इसमें। बता दें क्या समायरा को, ये हमने घर पे बनाया है। घर पे? यस, घर पे। लेकिन कैसे, आपके पास इतना मटेरियल कहाँ से आया? हमने आपका पुराना स्टडी टेबल बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे हमने नया मटेरियल खरीदा और उससे स्टडी टेबल बना दिया। देखो आपकी चेयर भी कितनी ब्यूटीफुल है। अब पता चला आपको क्या हुआ या नहीं पता चला? पता चल गया। क्या पता चला? क्योंकि ये है मेरा क्लॉक। ये समायरा का यूनिकॉर्न का क्लॉक है। 4:30 होने वाले हैं, समायरा अभी घर पे आई है। और ये आपका पेंसिल और पेन स्टैंड। वाओ मम्मा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ये भी हमने बाय किया मार्केट से। पुराना स्टडी टेबल हमने यूज किया है नया बनाने के लिए। नया तो नहीं बना है, नए जैसा बना है। एक चीज और नहीं नोटिस की आपने? क्या बताऊं? क्या क्या? इनकी लेग्स। हाँ, यहाँ पर येलो था। और लेग्स पे क्या था? लेग्स पे तो ऑरेंज था। तो पेंट आपको नया नहीं लग रहा है? पेंट तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो था तो मैंने पेंट कर दिया। तो टेबल की लेग्स भी हमने पेंट करी है और चेयर की भी करी है। वाओ मम्मा, वाओ। अभी धीरे धीरे इसको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुई है इसके स्टडी टेबल में। यहाँ पे भी टेप लगाई है, ये मैंने YouTube फैमिली को दिखाई थी जब मैंने लगा दी थी, तो
तो ये पापा और मैंने मिलकर किया है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आपके घर पे भी अगर पुराना स्टडी टेबल है, बच्चे बोर हो गए हैं, तो आप उसको ऐसे ही मटेरियल लेके डेकोरेट कर सकते हो, उसको नया जैसा बना सकते हो, तो बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। और इस पे जो पूरा खर्चा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये शीट हमने लगाई है वो एक रोल था 125 रुपीज का, तो हमने 2 रोल्स लिए थे लेकिन एक ही यूज हुआ है। हमने बैकअप के लिए दूसरा ले लिया था ताकि कम पड़ जाए तो सेम मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हमारा एक रोल बच गया है, उसको हम कहीं और यूज कर लेंगे। और ये किचन में भी यूज हो जाता है स्लैब पे, तो 125 रुपीज वो शीट के लगे हैं। और इसका ये 50 रुपीज का आया है। और बच्चों के पास ये फेविकोल और टेप, सीजर, ये तो घर पे अवेलेबल होता ही है। और 25 रुपीज का पेंटिंग कलर भी मिल जाता है, तो 200-250 रुपीज तक ये सारा टेबल आप रेडी कर सकते हो। कैसा लगा आपको हमारा स्टडी टेबल मेकओवर? और पूरा मेकओवर करने में हमें लगी है 2.5 आवर। और ये जो हमने पेस्टिंग की है इस शीट की, वो डबल साइडेड टेप से हुई है, सेलो टेप से नहीं होगी। तो अगर आप इस टाइप की शीट यूज करो तो मेक श्योर कि आपके पास डबल साइडेड टेप होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है, तो सेलो टेप एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो हमने इसको प्रॉपर डबल साइडेड टेप से फिक्स कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।